हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 15 जून 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर के रिगार्डिंग, जहां पर गौतम गंभीर अक्सर ही हमें कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। और आज से दो दिन पहले गौतम गंभीर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत की जो टीम है वो बाकी टीमों के कंपैरिजन में इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है क्योंकि भारत की टीम में इंडिविजुअल्स को टीम से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। गौतम गंभीर ने कहा कि भारत की टीम में रोहित शर्मा, उनके साथ ही विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को काफी ज्यादा दी जाती है और उसके साथ ही जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं उनको उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, लेकिन जो बाकी ही कंट्रीज हैं वहां पर किसी भी प्लेयर से ज्यादा हमें टीम को प्रायोरिटी मिलते हुए नजर आती है और यही वजह है कि भारत की टीम ज्यादा आईसीसी के टूर्नामेंट्स को नहीं जीत पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं, ये भारत की टीम से कम टैलेंटेड होने के बावजूद भी टाइटल को जीत जाती हैं। गौतम के स्टेटमेंट के बाद काफी सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो काफी सारे लोग उनको बुरा भला भी बोल रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग गौतम गंभीर के स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है सुरेश रैना की साइड से, जहां पर आज से कुछ दिन पहले सुरेश रैना ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी कि उनको विदेशी लीग में खेलने की परमिशन दी जाए और इसी कारण से सुरेश रैना को लंका प्रीमियर लीग के नीलामी में उतरने का मौका दिया गया था। रैना ने अपना नाम एलपीएल के ऑक्शन में दिया था और ऐसे में इनका सेट 11 में हमें नाम भी देखने को मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से आईपीएल के ऑक्शन में उन प्लेयर्स के नाम को नहीं लिया जाता है जिसको खरीदने में कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं होती, सेम चीज हमें रैना के साथ एलपीएल में देखने को मिली, जहां पर सेट में नाम होने के बावजूद इनका नाम ऑक्शन पर पुकारा ही नहीं गया, जिसके बाद ही क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि शायद लंका प्रीमियर लीग की जितनी भी टीमें हैं उनमें से कोई भी टीम सुरेश रैना को कंसिडर ही नहीं करना चाहती थी, यानी कि वो उनके ऊपर बिड ही नहीं करना चाहते थे, जिसके बाद सुरेश रैना फाइनली हमें एलपीएल में भी अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से, एमआई की टीम की। वैसे तो दुनिया भर में काफी सारी फ्रेंचाइजेज हैं, लेकिन अब मुंबई इंडियंस की टीम की जो न्यूयॉर्क वाली फ्रेंचाइज है वहां पर भी इस टीम ने अपनी टीम में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को एडिशन कर लिया है। सबसे पहले तो एमआई की टीम ने, जो एमआई न्यूयॉर्क की फ्रेंचाइज है, वहां पर कायरन पोलार्ड को अपना कैप्टन बना दिया है। तो इस तरीके से अब कायरन पोलार्ड जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम के बल्लेबाजी कोच हैं, एमआई एमिरेट्स की जो इनकी फ्रेंचाइज है उसके भी ये कप्तान है और इसके साथ ही एमआई न्यूयॉर्क की टीम के भी ये कप्तान बन चुके हैं। तो ऐसे में दो जगह पर ये प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं और इसके साथ ही बाकी जगह ये हमें कोच के तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस का जो न्यूयॉर्क का स्क्वाड है वो भी हमारे सामने आउट हो चुका है। कायरन पोलार्ड जो इनके कैप्टन हैं ही, लेकिन इनके साथ ही ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, टिम डेविड, इनके साथ ही डेविड ब्रेविस, डेविड वीज, कगिसो रबाडा, निकोलस पूरन और जेसन बहनडॉफ इनके विदेशी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी इनका जो स्क्वाड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है अंबाती रायडू की साइड से। अब क्योंकि अंबाती रायडू क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो ऐसे में अब वो कोई सा भी इंटरव्यू दे सकते हैं और सारी बातों को क्लियर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंबाती रायडू ने बताया कि उनको जो 2019 के वर्ल्ड कप में टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिसके बारे में काफी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उनके हिसाब से 2018 में सेलेक्टर्स ने उनको कहा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में रायडू को टीम में जगह दी जाएगी, लेकिन उसके बाद 2018 से 2019 के बीच में अंबाती रायडू और सेलेक्टर्स के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, जिसके चलते यही सेलेक्टर जो थे वो टीम को सेलेक्ट कर रहे थे और उन्होंने अंबाती रायडू को टीम में सेलेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपसी जो उनके मतभेद थे उसकी वजह से अंबाती रायडू और वर्ल्ड कप को कॉस्ट किया गया और अंबाती रायडू की फॉर्म का भारतीय टीम फायदा नहीं उठा पाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि विजय शंकर को उनके बदले टीम में शामिल किया गया था तो ऐसे में अगर उनकी जगह पर अजिंक्य रहाणे या फिर किसी एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर बैट्समैन को लिया जाता तो भी उनके समझ में आता, लेकिन विजय शंकर की परफॉर्मेंस तो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बिना किसी रीजन के टीम में ले लिया गया, जिसके चलते वो काफी ज्यादा हर्ट थे। तो ऐसे में अंबाती रायडू के द्वारा एक बार फिर से सेलेक्टर्स जिनके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके बारे में बातें बोली गई हैं। कॉमेंट करके आप लोग बताना इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है संजू सैमसन की साइड से, जहां पर संजू सैमसन को लेकर राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स की साइड से काफी बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि संजू सैमसन को आईपीएल 2022 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था उससे पहले तीन आईपीएल की टीमों के द्वारा कॉन्टेक्ट किया गया था और इन तीनों ही टीमों के द्वारा संजू सैमसन को ऐसा ऑफर किया गया था जो कि कोई और प्लेयर होता तो शायद वो इस ऑफर को बिना सोचे समझे ही एक्सेप्ट कर लेता और ये काफी बड़ी फ्रेंचाइज थी, लेकिन इनके हिसाब से संजू सैमसन के लिए उस टाइम पर लॉयल्टी काफी ज्यादा मैटर करती थी। सैमसन ने क्लियर कट इनको बता दिया कि ये राजस्थान रॉयल्स की टीम को पैसे के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं और राजस्थान
रॉयल्स की टीम को ही ये इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि आरआर की टीम चैंपियन टीम और बड़ी टीम बन जाएगी। यही वजह है कि ये जॉस बटलर उनके साथ ही युजवेंद्र चहल और देवदत्त पार्टिकल जैसे प्लेयर्स और रविचंद्रन अश्विन को अपने कैंप में शामिल करना चाहते थे। तो एक तरीके से इनका मानना था कि बड़े प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स की टीम में आएंगे, ना कि संजू सैमसन जो है वो किसी और आईपीएल की टीम में जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप लोग राजस्थान रॉयल्स के फैंस हैं तो संजू सैमसन के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट की तरफ, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत के तीन प्रोमिनेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स यानी कि ऋषभ पंत, उनके साथ ही केएल राहुल और प्रशीत कृष्णा को लेकर। काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, तीनों ही इंजर्ड थे और तीनों ही हमें एक साथ एनसीए में अपना रिटर्न करते हुए नजर आए हैं। ऋषभ पंत के लिए तो खासकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी रिकवरी की प्रोसेस हुई है उसको देखकर लग रहा है कि ऋषभ पंत जल्दी ही क्रिकेट में अपना रिटर्न करेंगे। तो एनसीए में ये तीनों प्लेयर्स हमें एक साथ पहुंचते हुए नजर आए थे। केएल राहुल आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे और प्रशीत कृष्णा भी इस साल आईपीएल खेलते हुए हमें नजर नहीं आए थे। आईपीएल से ठीक पहले हमें इंजर्ड होते हुए नजर आ गए थे। तो ऐसे में ये तीनों ही अब एनसीए में पहुंच चुके हैं और एनसीए में इन्होंने अपना जो रिकवरी की प्रोसेस है उसको फिलहाल स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है हरभजन सिंह की साइड से। अब क्योंकि गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हरभजन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में हमें देखने को मिल चुका है। क्योंकि हरभजन ने अब एक वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। हरभजन ने कहा कि 2011 का जो हम वर्ल्ड कप जीते थे उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर को काफी ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था 91 रन की पारी के लिए, और सारे लोग बस यही याद करते हैं कि धोनी ने अपनी कैप्टनसी और उसके साथ ही अपने सिक्स से भारत की टीम को वर्ल्ड कप का टाइटल जिता दिया था। लेकिन हरभजन सिंह के हिसाब से भारत की टीम उस वर्ल्ड कप को एमएसडी की वजह से नहीं बल्कि तीन बड़े प्लेयर्स युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की वजह से जीती थी। हरभजन ने कहा कि कोई भी टीम जब टाइटल जीतती है तो वो एक प्लेयर की वजह से नहीं जीतती है। एमएसडी को काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप उस पूरे वर्ल्ड कप में भारत की टीम के तीन स्टार परफॉर्मर्स को देखें तो तीनों स्टार परफॉर्मर्स में आपको युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का नाम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सिर्फ एमएसडी को प्रेस करने के बजाय अगर क्रिकेट फैंस पूरी की पूरी टीम को प्रेस करें तो ये कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हरभजन को भी महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के द्वारा काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से, जहां पर अगर आपने आईपीएल 2023 देखा हो तो जब एलएसजी और केकेआर के बीच में मुकाबला हुआ था तो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस और उनके साथ ही उनके ओनर्स के द्वारा गौतम गंभीर को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया था। दरअसल फैंस ने तो बैनर्स भी लगाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि गौतम गंभीर को वापस से केकेआर में देखना चाहते हैं। जब से केकेआर की कैप्टनसी करी थी गौतम गंभीर ने और उनको टाइटल जिताया था उसके बाद से ही केकेआर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और अभी तो ये टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में सारे के सारे लोग और इवन केकेआर के जो ओनर्स हैं वो भी चाहते हैं कि गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एज अ कोच रिटर्न करें, और अगर ऐसा होता है तो इनको उम्मीद है कि गंभीर जैसे अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे वही क्रिकेट और वही कल्चर केकेआर की टीम में वापस लेकर आ सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग गंभीर को केकेआर में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।